नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज। चलिए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दमोह बीजेपी में अंतर कलह खुलकर सामने आई है। यहां एक बीजेपी नेत्री ने पार्टी की नीति, नियत और पार्टी के नेताओं के चरित्र पर सवाल उठाए हैं। यहां तक कि फूट फूट कर रोते हुए फेसबुक लाइव भी किया है। यह घटना उस समय की है जब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यहाँ प्रत्याशी जयंत मलैया के पक्ष में मंच से भाषण दे रहे थे। फेसबुक लाइव के बाद बीजेपी नेत्री ने मीडिया के सामने भी रोते हुए अपना दर्द बयां किया है। कांग्रेस को धोखेबाज और चालू पार्टी कहकर अखिलेश यादव ने एजेंडा सेट कर दिया है। क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी का साथ यहीं तक था? इंडिया गठबंधन में होने के बावजूद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में लठ बज रहे हैं। वहीं अभी तो चुनाव मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का झगड़ा पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश पहुंच गया है। टीम अखिलेश और टीम प्रियंका गांधी आमने सामने है। कांग्रेस महासचिव, मीडिया प्रभारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद जयराम रमेश ने INDIA गठबंधन में दरार को लेकर बड़ा बयान दिया है। जयराम रमेश ने कहा है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार से बात की है और इन राज्यों में चुनाव के बाद फिर से बैठक इंडिया गठबंधन मजबूत करेंगे। मध्य प्रदेश में बालाघाट में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक शख्स ने नानी और मौसी की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी है। वही आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया था। हालांकि पुलिस ने 48 घंटों में ही दोहरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली है और पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के फोन से बहुजन समाज पार्टी के नेता हैरान है। चुनाव ड्यूटी में लगे कई नेताओं से उनकी बातचीत हुई है। वही शनिवार शाम ये सिलसिला शुरू हुआ। मायावती ने रविवार दोपहर तक BSP के कई नेताओं को फोन लगाया। वहीं अधिकतर लोगों ने अपने ओपिनियन पोल को लेकर पूछताछ की। वे जानना चाहती हैं कि पोल और सर्वे में जो बताया जा रहा है, क्या ग्राउंड पर भी वही हाल है। अधिकतर एजेंसियां राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला बता रही है। ये थी आज की कुछ खास खबरें। और भी खास जानकारी के लिए जुड़े रहें डीवी न्यूज के साथ।